जब मानव हिसाब लगाता है तब अवश्य कुछ कमी रह जाती है, परंतु ईश्वर की गणना में आवश्यकता से अधिक मिलता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वर्ष की अवधि के भीतर गलीलिया में दो भोजों का उल्लेख मिलता है। एक हेरोद के दरबार में जहां योहान बपतिस्मा ने उपदेश दिया, और दूसरा भोज एक खुले मैदान में जहां प्रभु के द्वारा परोसा गया। आज का पवित्र वचन हमें कहता है, जब तट पर पहुंचकर प्रभु नौ से उतरे तो विशाल जनसमूह उनसे मिलने के लिए उपस्थित था। वे अपने साथ अपने रोगियों को लेकर आए थे, पर वे एक से अधिक रूप में वे भूखे थे। उन्होंने प्रभु को विश्राम नहीं करने दिया, इसलिए नहीं कि वे उन्हें ईश्वर का पुत्र समझते थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने उनकी दृष्टि में प्रभु यीशु एक जादूगर थे जो अनेक चमत्कार दिखा सकते थे, या एक वैद्य थे जो रोगियों को रोगमुक्त कर सकते थे। आगे पवित्र वचन हमें कहता है, उन्हें लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्हें चिंता हुई क्योंकि वे भूखे थे। उन्होंने 100-100 और 50-50 की टोलियों में लोगों को बैठने की व्यवस्था की। फिलिप को परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पूछा, हमें इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियाँ खरीदें। फिलिप ने शीघ्रता से हिसाब लगाया कि रोटियों के लिए 200 दिनार की आवश्यकता होगी। यीशु ने यह नहीं पूछा था कि कितने धन की आवश्यकता होगी, लेकिन यीशु ने यह पूछा था, रोटियां कहां से आएगी। फिलिप को यह उत्तर देना था कि जिसने मृतकों को जीवन दान दिया है, जिसने रोगियों को चंगा किया है, क्या वह रोटियों का भी प्रबंध नहीं करेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुराने विधान में ईश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटी और महत्वहीन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे एक शिशु के पलने में लगी छोटी सी डंडी जिसने फिराउन की पुत्री का हृदय जीत लिया, या मूसा की चरवाहे की छड़ी जो मिस्र में चमत्कार दिखा सकी, अथवा दाऊद की उस गुलेल जिसने फिलिस्तीनियों को पराजित कर दिया। क्योंकि इस घटना में रोटी भी शामिल है, अतः इसमें और अंतिम भोज की घटना में कुछ समरूपता देखी जा सकता है। ईश्वर ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना की। फिर वे रोटियां तोड़कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। जैसे गेहूं का दाना धीरे धीरे धरती में बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रोटी और मछलियां देवी प्रक्रिया के द्वारा शीघ्रता से बढ़ती गई। जब तक सब संतुष्ट ना हो गए, प्यारे भाइयों बहनों, यदि प्रभु पैसे बांटते तो कोई तृप्त नहीं हो पाता। प्रकृति ने जो संभव किया था शेष ईश्वर को देना था। फिर उन्होंने आज्ञा दी कि बचे हुए टुकड़ों को उठा लिया जाए, और उन्होंने 12 टोकरे भर दिए। जब मानव हिसाब लगाता है तब अवश्य कुछ कमी रह जाती है, परंतु ईश्वर की गणना में आवश्यकता से अधिक मिलता है। आमीन।